तो सर्व शीतोष संत्यागात लोकई पूज्यस्व देववत्। आप अपने अंतरकरण के दोषों का परित्याग कर दीजिए। लोग कहें इसको ज्ञान हुआ है, इसको मुक्ति मिली है, ये जीवन मुक्त है, देवता की तरह आपकी पूजा करें, तब दूसरों के मन में भी आएगा कि हाँ हमको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान प्राप्त करके आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, जारी करेंगे, अपनी जिंदगी को चौपट कर देंगे, तो जो देखेगा वो भी कहेगा बाबा ज्ञानी होने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान की परंपरा का, ज्ञान के संप्रदाय का लोप हो गया है। इसलिए अपने जीवन का श्रृंगार करना आवश्यक है। और भौतिक जीवन का श्रृंगार होता है अगर बाल संवारने से और आंखों में काला डंडा मारने से, ऊपर भी डंडा, नीचे भी डंडा, बगल में भी डंडा, काले खोदते हैं ना, काले आंखों में काले, ऊपर भी नीचे भी बगल में भी, तो ठीक है वो आपके शरीर का श्रृंगार है, हम मानते हैं वो आपने रख दिया, आपके मुंह का श्रृंगार हो गया, बढ़िया साड़ी पहन ली, आभूषण पहन लिया, नाखून रंग ले, अपने घर में नहीं हुआ तो उधार लेके भी लगा लिया, नाखून खरीद के लगा लिया, दाल खरीद के लगा लिया, आपके जीवन का श्रृंगार। पर आप बढ़िया रहना तो चाहते हैं ना, बढ़िया दिखना चाहते हैं कि नहीं, तो ये जो भक्ति है ये आपके अंतर जीवन का श्रृंगार है। अपने हृदय में, अपने हृदय में परम सुंदर, परम मधु, परम मधुमय भगवान को विराजमान कर दो, उनके प्रेम से आपकी वृत्ति, आपका मन, आपके मन का व्यवहार, वृत्ति माने मन का व्यापार, मन का व्यवहार मधुर मधुर, आपके दिल में से फूल झड़े, ये कब होगा, जब आपके हृदय में बनता है। अच्छा ज्ञानी है, आपका अंतकरण बाधित हुआ कि नहीं, बाधित माने मिथ्या, अब उसमें बिच्छू रहे, सांप रहे, ठीक है आपकी पसंद है, आपको मुबारक हो, लेकिन उसमें बिच्छू सांप न रह के यदि वो मंदिर बन जाए और उसमें भगवान रह रहे और उसमें घंटा घड़ियाल बज रहे हैं, उसमें प्रार्थना होने लगे, उसमें भगवान के नाम का संकीर्तन होने लगे, तो कितना अच्छा होगा। आप ज्ञानी के उस हृदय की कल्पना तो कीजिए कि जो हृदय भगवान का मंदिर बन चुका है। मधुसूदन सरस्वती से किसी ने पूछा कि कोई ज्ञानी भगवान का भजन क्यों करेगा, ये गीता पर जो यथार्थी का गीता है मधुसूदन सरस्वती की, उसकी भूमिका में ही ये बात कही, अश्लेष्टृत्वादिवत्तेषाम स्वभावो भजनम हरे, जैसे ज्ञानी स्वभाव से किसी से द्वेष नहीं करता वैसे स्वभाव से वो भगवान का भजन करता। ओ मधु 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 पाता है ज्ञान, जहाँ सत्य का प्रकाश है वहाँ भक्ति जीवन का उत्कर्ष है, उत्कर्ष माने श्रेष्ठ बड़ा, उन्नत हृदय का नाम भक्ति है, ऊंचे हृदय का नाम, ऊंचे हृदय का नाम भक्ति है, उत्कर्ष सबसे बढ़िया सबसे बड़ा हृदय है। भक्ति में ही अंतकरण के सत्यम शिवम सुंदरम को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। भक्ति वो शक्ति है जिससे अंतकरण के भीतर छिपी हुई सच्चिदानंद मई जो वस्तु है, चीज है, उसको प्रकट कर सकते हैं। इसमें सुगमता क्या, इसमें साधन और फल अलग अलग नहीं,
कल आपको सुना है, धर्म साधन अलग है, उसका फल सुख अलग है। अगले जन्म में हो, अगले जीवन में हो, स्वर्ग में हो, जो साधन है उसमें तो सुखानुभूति का त्याग है, सुख वृत्ति का निरोध है, निरोध और आनंदानुगत समाधि का भी निरोध है। तत्व ज्ञान में समता है, सुख दुख दोनों बराबर है। भक्ति का जीवन आनंद का, आनंद का जीवन है भक्ति का जीवन। तो इसमें साधन का, जैसे दूसरे विषयों में साधन और फल अलग अलग है, साधन है अंतकरण में, फल है अविद्या की निवृत्ति और आत्मा स्वतः सिद्ध है। और भक्ति में जो साधन है सोई फल है, जो फल है सोई साधन है। तस्या फल रूपत्वात् इति सनत कुमारा, सनत कुमार आचार्य ने कहा कि भक्ति केवल साधन नहीं है, भक्ति तो फल है। फल जीवन में, इसी जीवन में फल का अनुभव कर। प्रपद्यमानस्यो यथा स्मतस्युः, जैसे शरीर को भोजन देते हैं तो मन को संतोष होता है, शरीर को पुष्टि होती है और क्षुधा रूप दोष की निवृत्ति होती है। ऐसे भक्ति है मन का भोजन, भक्ति का रस, भक्ति का रसास्वाद। जो जो हम भक्ति का रस अपने अंतकरण में डालते हैं, क्यों जो संसार के विषयों की प्यास है वो बुझती है, वैराग्य होता है, भगवान अपने हृदय में प्रकट होता है और प्रेम की वृद्धि होती है। प्रेम की वृद्धि, भगवान का आदर भाव और संसार के विषयों से राजस्व द्वेष की निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते हैं, ये भक्ति की विशेषता है। इत्यच्यतांग्रिम भजतो अनुवृत्या भक्तिर विरक्तिर भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजस्ततः पराम् शांति साक्षात। भक्ति हृदय का क्षेत्र, भक्ति का क्षेत्र हृदय, हृदय में भक्ति, दिलदार के लिए भक्ति, हृदय के लिए वज्र हृदय के लिए भक्ति नहीं है, शुष्क हृदय के लिए भक्ति नहीं है, कठोर हृदय के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति माने भजन। गोपाल तापनी उपनिषद में प्रश्न किया, किम नाम भजनम, भजन क्या है? भजनम नाम रसनम, भजन माने स्वाद है। गांव के गवार लोग, ये भैंस है, गाय है, बैल है, ये पहले खाते हैं, वो चाहे हरी हरी घास चर ले, चाहे खली भूस खा ले, पहले तो पेट भर खाते हैं, खाओ 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 जल्दी जल्दी, और यदि बढ़िया चीज खाने की हो तब तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, हम दूसरे से पहले खा लें इसकी कोशिश कर लें। एक चरनी में, एक नाक में उनके लिए खली भूस परत दिया जाए तो खाते हैं, खाने के बाद जब पेट भर जाता है तो आराम से बैठते हैं, और बैठ के जो खाई हुई चीज है उसको फिर मुंह में ले आते हैं और चुगलाते हैं, गाल फेन हो उनके मुंह में फेन आता है, और बैठ के बड़ी देर तक वो जुगाली करते हैं, जुगाली बोलते हैं उसको। और हमारे गांव में पागुर शब्द चलता है, पागुर करते हैं, जुगाली करते हैं, खाए हुए का स्वाद तो वो बैठ करके लेते हैं। आप ऐसा समझो कि आप सुनते हो, मंदिर में जाके आंख से खाते हो, कथा में आके कान से खाते हो, खा लो घंटे भर में बहुत मसाला मिल जाएगा,
लेकिन थोड़ी देर जुगाली करने का भी समय है। वेदांती लोग उसको मनन बोलते हैं, मनन निधिध्यासन बोलते हैं, भक्त लोग उसको भजन बोलते हैं। वो जो मुरली मनोहर पीतांबर धारी श्याम सुंदर, जो तुमने सीता सहाय वरुषधारी लक्ष्मणानुगत और हनुमत सेवित भगवान राम का जो मंदिर में दर्शन किया है, अब उसको जरा अपने अंतकरण में बचाओ, बजा करना। वो गौरी शंकर त्रिशूलधारी शंकर जटाजूटधारी शंकर, उनके सिर पर चंद्रमा, सिर पे गंगा जी की धारा, कर्पूर गौर, एक मूर्ति मदुराई में है, मदुराई में गौरी शंकर का ब्याह हो रहा है, तो उसमें लक्ष्मी और विष्णु दोनों आए हैं ब्याह में, तो चार मूर्ति हैं केवल। गौरी शंकर का हो रहा है ब्याह और लक्ष्मी नारायण आए हैं ब्याह में सम्मिलित होने के लिए। तो गौरी ने तिरछी नजर से लक्ष्मी जी की ओर देखा, क्या देखा? बोले देखो मैं गोरी, मेरे पति गोरे हैं और तुम्हारे तो काले। विष्णु भगवान के कालेपन पर गौरी मजाक कर रही है, मूर्ति का यही रहस्य है। अब देखो वहां तो देखा, अब मजा उसका यहाँ आ रहा है। भजनम नाम रसनम, ये नहीं कि ऐसी मोटर देखी तो हमारे घर में नहीं है, हाय हाय, ऐसा मकान देखा हमारे घर में नहीं है, हाय हाय, ऐसा फर्नीचर देखा हमारे घर में नहीं है, हाय हाय, और सिनेमा में ऐसा डायलॉग सुन के आए, और हमारे घर में श्रीमती तो कुछ बोलती नहीं है, वो तो चार बरस से टिकल सुना, हाय हाय। दुनिया की याद करोगे, दुनिया की याद करोगे तो हाय हाय मिलेगी, और भगवान की याद करोगे तो तुम्हारे हृदय को प्रेम मिलेगा, प्यार मिलेगा, सुख मिलेगा। देखो एक दिन राधा कृष्ण दोनों सीता लेके खड़े हो गए, बड़े जीते के सामने खड़े, तो कृष्ण ने पूछा कि मेरो मुख नीको कि तेरो राधा प्यारी, राधा प्यारी मेरा मुख सुंदर है कि तुम्हारा मुख? तो राधा जी बोली ये कोई पूछने की बात है, मेरा मुख तो ऐसा है जैसे चंद्रमा की रोशनी हो, प्रकाश हो, और तुम्हारा मुंह ऐसा है जैसे अमावस्या देरी रात हो, है ना? तो प्रेम की जो बात है ना, वो हृदय को प्रेम से भर देता है। जिससे प्रेम होता है उसकी याद रहती है, दूसरे की याद आने लगे ज्यादा तो समझना कि प्रेम में कमी हो रही है, समझ लेना पहचान है। एक व्यक्ति से तो आदमी प्रेम करता है, चार तक, तो यदि अपने प्रियतम की ही प्रियतम भी याद आवे तब तो समझना कि प्रेम बढ़ रहा है, और यदि प्रियतम से प्रेम करने वाले दूसरे जो हैं उनकी याद आने लगे तो समझना कि प्रेम घट रहा है। प्रेम में यदि दूसरे की याद करोगे तो तुम्हारे प्रियतम की विस्मृति हो जाएगी। प्रेम में स्मृति का सत्य है, प्रेम में स्मृति का निरंतर यह है, लगातार याद पर याद, याद पर याद, याद पर याद, एक शकल बैठी दूसरी उठी, दूसरी बैठी तीसरी उठी, अपने प्यारे में सोते हुए याद आए, फिर गई, फिर जागते हुए याद आए, फिर गए, फिर खाते हुए याद आए, फिर गए। प्रेम में आंख मिचौनी होती है, आंख मिचौनी, पर प्यारे के साथ आंख मिचौनी होती है और दूसरे के साथ नहीं होती है, और रसीब को नहीं देखा जाता। अच्छा देखो एक दूसरी बात, प्रेम में अपने प्रियतम के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, अपने सुख का परित्याग। हम भूखे रह जाएंगे उनको खिला, हम खड़े रह जाएंगे उनको सुना। प्रेम में
यदि अभिमान आता हो कि हम बड़े प्रेमी हैं तो समझना मतलब अशगुन शुरू हो गया, ये प्रेम का अशगुन है वो अशगुन। अगर किसी के मन में आवे है कि हम तो बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेम करते हैं, परंतु जिससे हम प्रेम करते हैं वो बहुत बेवफा है, वो तो हमारी कभी याद ही नहीं करता, उसका प्रेम कम है हमारा प्रेम ज्यादा है, बस जहां तराजू पर अपने प्रेम को चढ़ाया और वो भारी मालूम पड़ा वहां समझो कि अपमान आ गया, अब तुम्हारा प्रेम घटेगा, क्योंकि सामने वाले में जो तुम प्रेम की कमी देखते हो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और यदि तुम ये देखो कि उसका तो प्रेम बहुत है, तुम्हारे मन में आता हो सहज स्वभाव से उसका तो प्रेम बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उसके बदले में उतना प्रेम नहीं कर पाता, अगर ऐसा मालूम पड़े तो सामने वाले का जो ज्यादा प्रेम है वो तुम्हारे दिल में आ जाएगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ जाएगा। प्रेम का अभिमान तो राधा रानी में भी नहीं होता, न क्षोरिया नी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता व्यापनाय प्रवी। ललिता सखी ने पूछा कि राधा रानी तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है। राधा रानी बोली बहुत ही क्या बात है, यहाँ तो जरा सी प्रेम की महत्व ही नहीं है हमारे हृदय में, प्रेम की तो बात क्या, बड़े प्रेम की तो बात क्या, प्रेम की गंध भी नहीं है, थोड़ी सी गंध भी नहीं है, तब श्री कृष्ण के विरह में तुमको रोना क्यों आता है, व्याकुल क्यों होती हो, तरसती क्यों हो। बोली क्रंदंती माम निज सुभगता क्या बनाय प्रदी, मैं अपने को लोगों में सौभाग्यवती जाहिर करने के लिए व्याकुलता दिखाती हूँ कि लोग कहें कि ये बड़ी प्रेमिका है, बड़ी प्रेयसी है, तो इसमें प्रमाण खेल दुवंशी वलैन मनारोग्यतम वक्र बिंबम, जिसके मुख बिंब पर बांसुरी खेलती रहती है, उन अरुणायमान अखरों को देखे बिना, उसकी मुस्कान देखे बिना, उसकी बंसी ध्वनि सुने बिना, उसकी आंखों से आंखें मिलाए बिना मैं जिंदा रह रही हूँ, और जिंदा ही नहीं रह रही हूँ, अपने इन प्राण रूपी कीड़ों को जो क्षण क्षण में काटते हैं उनको खिला पिला के जिंदा रख रही हूँ, इससे बढ़ करके हमारे प्रेम की दुर्गति और क्या होगी। न छोड़िया नदी सखी मम प्रेम गंधो मुकुंदे क्रंदंती माम निज सुभगता व्यापनायम प्रदी शीलवंशी वलयन मना रूप्यतम वस्त्र बिंबम स्वस्ता लंबा यद महः प्राण की दान विवर्ती। मैं जी रहे, एक बार एक सखी आई कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने पूछा राधा रानी कैसे हैं, तो बोली जीवती जी रहे अभी जिंदा है। तो उन्होंने पूछा अरे भाई मैं कुशल मंगल पूछ रहा हूँ, बोली कह तो दिया कि अभी जिंदा है, फिर कुछ तो बताओ उसके बारे में, तो बोली जब तक सांस चल रही है तब तक कैसे कह दूं कि मर गई, तुम यही सुनना चाहते हो, जब तक सांस चल रही है तब तक कैसे कह दूं कि मर गई। तो बाबा इस प्रेम की जो महिमा है ना बड़ी की कुछ है, नव कालकूट कटुता गर्भस्य निर्वासन
निश्यन्दे न मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संतोचन प्रेमा सुंदरी नंदनंदन परो जागृति जस्यांतरे व्यायन्ते स्फुटमद्य वक्र मधुरा तेनैव विक्रांतयः। प्रेम में इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि जो समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था उसका अभिमान चूर हो जाता है। प्रेम की पीड़ा के सामने उसने क्या करवा। और प्रेम में ऐसा अमृत है, निश्यन्दे न मुदाम, प्रेम का झरना बह रहा है, प्रेम की नदी बह रही है, प्रेम की तरंग में अमृत अमृत अमृत। सुधा मधुरिमा अहंकार संतोचन, अमृत को जो अपनी मिठास का अभिमान है वो दूर दूर हो गया। जिसके हृदय में ये नंदनंदन का प्रेम, श्याम सुंदर का प्रेम आ जाता है, जागता है, करवट बदलता है, जागता है, उसके हृदय में ऐसी टेढ़ी मेढ़ी मिठास पैदा होती है कि वो केवल वही अनुभव कर सकता है। दूसरे लोग प्रेम की माधुरी, प्रेम की मिठास का अनुभव ही नहीं कर सकते। प्रेम में स्मृति है, प्रेम में त्याग है, प्रेम में निरभिमानता है, प्रेम में सुख पहुंचाने का अब दुख सह के भी सुख पहुंचाने का प्रबल भाव है, और सुख पहुंचाते पहुंचाते भी डर है कि कहीं दुख न पहुंच जाए। आप लोगों ने भागवत में पढ़ा होगा, यत्ते सुजात चरणाम स्तनेषु गीताशनै प्रिय प्रधीमहि कर्कशेषु तेनात विमटति तद्व्यथते न किंचित् पूर्वादिभिः भ्रमतिभिर्भवदायुषाः। गोपी बोलते हैं, तुम्हारे चरण कमल को हम अपने वक्षस्थल पर रखते हैं। क्यों रखते हो? यह रखते हैं कि हम जानते हैं कि उससे तुमको सुख मिलेगा, पर सुख देते देते भी हमको डर लगता है। तुम्हारे कोमल चरणारविंद, हमारा कठोर वक्षस्थल कहीं चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम गुरुहम स्तनेषु गीता स्तनै प्रिय दधीमहि कर्कशेषु, हमारा कर्क वक्षस्थल डर डर के बहुत धीरे से हम तुम्हारे चरणारविंद को अपने वक्षस्थल पर रखते। दूध तो पिलाते हैं परंतु कहीं गर्म ना हो, जारे का मुंह जल जाए, कहीं ठंडा ना हो तो उसके उसको अलसी हो जाए, कहीं शक्कर कम ना हो तो मीठा नहीं लगेगा, या कहीं ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। सुख देते देते भी दुख पहुंच जाने का डर बना रखता है। प्रेम में इसको महाभाव बोलते हैं, महाभाव। प्रेम शास्त्र तो बड़ा भारी है ना, आप लोगों ने वेदांत शास्त्र पढ़ा होगा, अर्थ शास्त्र पढ़ा होगा। जैसा वेदांत शास्त्र है ना, जितना विस्तार है इससे कम प्रेम शास्त्र का विस्तार नहीं। इसमें प्रेम एक होता है, प्रेम एक होता है, स्नेह एक होता है, प्राय एक होता है, मान एक होता है, राग एक होता है, अनुराग एक होता है, महाभाव। फिर महाभाव के कई भेद हैं, अधिरूढ़ महाभाव, मादन, मोदन, ये प्रेम की भूमिकाएं होती है, जैसे ज्ञान की भूमिका। प्रेम का स्वभाव है लग के न टूटना, ये प्रेम का स्वभाव है। लागी नाने छूटे रामा, भले दिया जाए, लग गई तो लग गई, वो छूटने वाली नहीं है, चले जाए तो चले जाए,
और लाडी नानी छूते रामा भले दिया जाए इस प्रेम की प्रकृति को, उसमें स्नेह है, स्नेह हृदय कभी कठोर नहीं करता, हर समय पिघला हुआ, हर समय पिघला हुआ, किसी का अनिष्ट पहुंचाने का भाव प्रेमी हृदय में नहीं आता। सुने सुने हमारे दूध दही घी मक्खन हमेशा दिल में चिकनाई बनी रहती है। वो प्रणय अपने प्रियतम के प्रति शिष्टाचार का उल्लंघन कभी नहीं होता। दोष देख के प्रेम बढ़ता है, बस हमारी जरूरत जब तक ये अच्छे थे तब तक हर समय हमारी देखभाल की जरूरत है, लेकिन जब इनके अंदर दोष आ गया तब तो हर समय हमारी जरूरत है। ये नहीं कि बीमार हुए तो प्रेमी छोड़ के चला गया है, बीमारी में तो हमारी और जरूरत है। कोई मानसिक बीमारी हो, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, उसकी कंपनी बिगड़ जाए, हर समय साथ हो संभालो, ये प्रेम की मन में सिवाय उसके दूसरे उर में सुंदर श्याम अड़े हमारे हृदय में, श्याम सुंदर राह उनके रंग में, उनके रंग में रंग है। सखी हो तो श्याम रंग रंगी, मैं श्याम के रंग में रंग देख बिकाई गई वह मूर्ति सूरति मान पड़ी, वह मूर्ति देखकर मैं बिक गई, उसकी सुंदरता में सौंदर्य में मैं बद गई, देख बिकाई गई वह मूर्ति सूरत मान। कोई कोई कहते हैं कि गाय चरावन जात सुनो सकती, एक जू मेरी अखियन में निश्योश रहो करी भाव, गाय चरावन जात सुनो शोधो कन्हैया कहो। एक कृष्ण तो वो है जो जिंदा मेरी आंखों में, मेरी आंखों की पुतली बनकर, मेरी आंखों का काजल बनकर मेरी आंखों में रहता है, रात रहता है, दिन रहता है, सुबह रहता है, शाम रहता है, मेरी आंखों में कृष्ण। एक कृष्ण तो वो है जो रात दिन मेरी आंखों में रहता है। मैंने गांव में सुना है कि रोज गाय चराने जाता है, वो कौन है? वो हमारा ही वाला कृष्ण है कि कोई दूसरा है? गाय चरावन जात सुनो सखी सुनो कन्हैया कौन, सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाई गई वह मूर्ति सुंदरति मान पगी। भजन माने प्यारे का स्वाद लो, रस उसको रस हमको देख के वो खुश हो रहा है, उसको खुश देखकर हम खुश हो रहे हैं, हमको खुश देखकर उसकी खुशी बढ़ रही है, उसकी बढ़ती खुशी देखकर हमारी खुशी बढ़ रही है, और फिर देखो इसका अंत नहीं है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, निरंतर वर्तमान में प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम उसको कहते हैं जो लगातार बढ़े, छिन ही बढ़े और छिन उतरे, छिन ही चढ़े छिन उतरे, कसो तो प्रेम न हो। जो थोड़ी देर बढ़ जाता है थोड़ी देर घट जाता है उसका नाम प्रेम नहीं है, अधक प्रेम पंजर बस है, पिंजर बस है, प्रेम कहा उसको प्रेम अधक होकर के जो अपने हृदय में रहता है, क्षण क्षण बढ़ता है, क्षण क्षण बढ़ता है, उसका नाम प्रेम होता है। मजा नहीं कितनी न जाने कितनी विशेषता, तो ये प्रेम प्रेम जीवन की वस्तु है, ज्ञान सिद्धांत की तत्व की वस्तु है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कहीं लड़ाई नहीं है, दोनों में कहीं संघर्ष नहीं है। प्रेम हृदय के भाव की वस्तु है और ज्ञान सच्चिदानंद है, दोनों में कहीं संघर्ष कहीं लड़ाई है ही नहीं। वो तो जब बचकानी
ज्ञान होता है उसको समझने के लिए सत्ता निषेध करना पड़ता है। निषेध ज्ञान बचकानी ज्ञान प्रारंभ का ज्ञान, ज्ञान पूर्ण हो जाता है। ब्रह्मई वेदम अमृतम पुरस्ता ब्रह्म पश्चात, ब्रह्मई सामने है अमृत, अमृत सामने है, अमृत पीछे है, अमृत दाहिने है, अमृत बाएं है, उत्तरे न दाहिने भी वही बाएं भी वही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन की तलाटी में एक चट्टान पर राधे 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 राधा 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 धारा बन गई। राधा राधा कई बार बोलो तो धारा धारा हो जाएगी। आपने सुना नहीं वाल्मीकि का मरा मरा जगत जग जाने, मरा मरा का राम राम हो गया, तो राधा राधा का धारा धारा हो गया। राधा 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 ऐसी स्वर लहरी निकली, उसमें संगीत आ गया, उसमें काव्य आ गया, उसमें राग रागिनी आ गई। राधा 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 जब श्री कृष्ण की स्वर लहरी व्यापक हुई आकाश में, तो उस ज्ञान की देवता सरस्वती देवी आ गई। आज जो उनके खड़ी सामने श्री कृष्ण की आंख खुली तो देखा सरस्वती सामने क्या है देवी, तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको वरण करने के लिए आई हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। अब श्री कृष्ण को राधा 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 के प्रेम में मगन क्या हो, उसी समय सरस्वती जड़ हो गए, जड़ हो तो फिर ब्रज में बांस बनी हो, बांस कोई वृक्षों में पौधों में बहुत उत्तम जाति नहीं मानी जाती। बांस सारे शरीर में गांठ ही गांठ, भीतर से कोली सिर्फ कटिंग हो, अपने खानदान से अलग कट गए, वंश से अलग, बांस से अलग कट गए, गठीली है गठीली, शेर किया गया छिद्रवती आग पर सेक सेक के बराबर किया गया। मैं क्षुद्र वंश की वंशी हूँ, छिद्रों से भरा हुआ है सर, कोली है सांस, प्राण उनके अपने, बांसुरी के प्राण अपने नहीं है, बांसुरी का राग बांसुरी का नहीं है, श्री कृष्ण की सांस बांसुरी की सांस है, और श्री कृष्ण का राग बांसुरी का राग है, श्री कृष्ण का संगीत बांसुरी का संगीत है। वही सरस्वती जो श्री कृष्ण का वरण करने के लिए आई थी, ज्ञान की देवी, बंसी बन करके श्री कृष्ण के अधरों से लगी और उनके अधरामृत का पान हुआ, उनके अधरामृत की प्राप्त हुई। तो भजनम नाम भजन क्या है, भगवान के धाम का चिंतन, ये रहा वृंदावन वालुकामय भुले में धाम तक, उसमें वृक्ष लता गौएं हरे जमुना गोवर्धन धाम का चिंतन, फिर उसमें श्री कृष्ण का चिंतन, श्याम सुंदर मुरली सीता रूप में चेष्टा का चिंतन, आंख कैसे चलती है, हाथ कैसे हिलाते हैं, त्रिभंग ललित कमर कैसे हिलती है, पांव कैसे पड़ते हैं, और कुंडल की लटकन, पांव की पटकन, मुकुट की चटकन, वो मुस्कान, वो पीताम्बर की फहरान, कृष्ण 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 चेष्टा, चेष्टा के बाद लीला, भगवान के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कमल घुमा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, लीला, गोपियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप लोभी हो तो उनके गले का हीरा देखे हो,
आपका मन लग जाए, है ना। आपके मन में काम वासना ज्यादा हो तो गोपियों के साथ खेल ना दे, आपके मन में क्रोध की वासना ज्यादा हो तो वो चक्र घुमा कर मारते हुए दे, आपके मन में मोह हो तो बच्चे करते सही से प्रसन्न देखिए। आपके मन में जैसी भावना है वैसी भावना आप कृष्ण में देख लीजिए, वो वस्तु कृष्ण में देखिए, आपके मन के दोस्त हैं, आपका जैसा मन है वैसे मन के श्रीकृष्ण आपको मिलेंगे। लीला, लीला में लीला का दर्शन करना एक है सजन, और उसमें सेवा करना, पानी पिला देना, किसी का मुख घुंघरू खुल जाए उसको बांध देना, पसीना हो रहा है पंखा चल देना, सेवा करना, और स्वयं लीला में सम्मिलित होना, स्वयं तन्मय हो जाना, उनके साथ खाना पीना मिलना जुलना, और इस तरह बाहरी दुनिया भूल जाए हो, इस तरह बाहरी दुनिया भूल जाए। ये वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान में आसक्ति होना और प्रपंच की विस्मृति होना,